तो एक्सेस के अंदर हम बात करेंगे इफ कंडीशंस की। इफ कंडीशंस किस तरह से इस्तेमाल की जाती है इसके लिए हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इससे पहले बताया था कि प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था, और हमने कैलकुलेट किया और हमें हमारा ईएमआई मिल गया। अब मेरा भी कैलकुलेशन है कि भाई जब हम कैलकुलेट करें तो जो टाइम है वो हमारा 50 महीने से ज्यादा ना हो, जो रेट है हमारा या जो आपका प्रिंसिपल है ब्लैंक ना हो, इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए हम यूज करेंगे इफ कंडीशंस की। तो अल्ट एफ 11 हमने प्रेस कर दिया, नया विजुअल सी खुल गया और ईएमआई वाले पे आते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन था कि जब कमांड बटन क्लिक होगा तो ये कैलकुलेट होगा, राइट। अब यहाँ पे हम जो है इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ टी इज ग्रेटर देन 50 देन मैसेज बॉक्स शो हो, MSG बॉक्स शो कि डू नॉट एंटर मोर देन 50, और यहीं पे हो जाएगा एग्जिट सब, और यहां मैंने एंड इफ कर दिया। ठीक है सर। ठीक अब देखिए, अब मैं बाहर इसको करता हूं कि जब मैं इसको यहां पे अगर 65 डाल के कैलकुलेट करता हूं, एक मिनट, यहाँ पे ब्लैंक था इसलिए आ गया। इस चीज को मैं सबसे ऊपर रखता हूं, तो कंडीशन हमेशा सबसे ऊपर टॉप पे होता है। ठीक हाँ है, ठीक है नहीं, ये नीचे ही होगा, और पी जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू डॉट ब्लैंक है ना, इसलिए तो मुझे यहाँ पे एक एरर को रोकने के लिए लिखना पड़ता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, याद रखिएगा इसको। अब मैं इसको एक बार कैलकुलेट पे क्लिक करो, देखिए डू नॉट एंटर मोर देन 50 पचास आ गया। क्लियर सर। क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल और रेट ब्लैंक ना हो, तो यहां पे हम नीचे एक और कंडीशन लगाता हूं कि इफ मी मी डॉट नहीं आ, पी पी इज इक्वल टू 0 दैट MSG बॉक्स प्लीज एंटर पी फर्स्ट, और फिर यहाँ पे एग्जिट सर्व। अब एग्जिट सर्व क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जिट सर्व करने के पीछे रीजन ये है कि यहीं पे हमारा माइक्रो फिनिश हो जाए, नीचे कैलकुलेट ना जाए। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं तो पूछता डू नॉट, हाँ इसमें हम मान लीजिए कि डाल देता हूं 43, प्लीज एंटर पी फर्स्ट आ गया। हाँ अब मुझे मान लीजिए कि पी और आर दोनों को करवाना है, तो यहां पे और लगा देंगे कि आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोर देन वन कंडीशंस अगर दोनों में से ऑप्शनल हो, भाई इसमें से ए ले ले या ए ले ले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे और का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पे दिखा आपको, अगर मैं 55,000 डाल भी दिया या कोई भी अमाउंट डाल दिया फिर भी बोलेगा यहाँ पे पी, तो यहाँ मैसेज के चेंज कर देते हैं पी और आर कर देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो इफ कंडीशन को समझिए क्या है। इफ कंडीशन कब यूज होता है, जब आपको कुछ कैलकुलेशन या किसी भी तरह का कुछ काम करना है लेकिन एक कंडीशन को फॉलो करने के बाद, एक कंडीशन को फॉलो करने के बाद
उस केस में हम यहां पर लगाएंगे इफ फॉर्मूला, उसके बाद अपना कंडीशन देंगे देन, और फिर जो करवाना है वो आप यहां पे करेंगे। क्लियर है, समझे सर? ओके सर, समझा सर। बोलिए, तो आपको अगर कोई मैसेज में कुछ ऐसा वैलिडेशन करवाना है, या अगर ऐसा डले तो ये करे, या डले तो ये करे, ये वाला काम करना हो, तो इसका यूज हम करते हैं। ओके, राइट राइट। अब बात करते हैं इसकी इससे रिलेटेड चीजों को पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना होगा कि एक आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूं। ओके, सर एक्सेल वीबीए का है क्या सर? जी एक्सेल वीबीए का है, दोनों सेम ही है, इफ दोनों में सेम है। अच्छा, इफ में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे एक्सेल हो चाहे एक्सेस हो। इरा दिख रहा है? नहीं। इस आर्टिकल को पढ़ेंगे जहां पे इफ के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझाया हुआ है, और थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करेंगे आप। अगर आपको इसको खो गई तो फिर मैं आगे की चीजें बताऊंगा आपको। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर।